मुझे बड़ी बड़े मार्जिन से जिताया, और जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो बार काउंसिल ने मना कर दिया कि आप ये मंत्री पद का अहदा है, आप ये 84 के केस नहीं लड़ सकते। तो मैंने, क्योंकि 84 का केस ये जो है मेरी जिंदगी का मिशन है, तो मैं वो पद को छोड़ के वापस आया, और वापस आके मैंने ये केस लड़े, और आज मुझे ये फील हो रहा है कि वो फैसला बिल्कुल सही था। और आज क्योंकि जो कामयाबी आज हुई है, आज मिली है जो सज्जन कुमार को सजा दिलवाने की, कि वो फैसला बिल्कुल सही था। पिछले एक साल से आप सबको मालूम है कि मैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स से अपना किनारा किया हुआ है, मैं पार्टी की किसी एक्टिविटी में नहीं आया, किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आया, मैं सिर्फ 84 के केस, जहाँ जो मेरा सोशल वर्क का काम है, जो पंजाब में मैं वो करता रहा, वो कर रहा था। मैंने अपने हलके में वहाँ जितने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं उन सब में स्मार्ट क्लासरूम बनाए। मेरा ख्याल है शायद इंडिया में पहला हलका होगा जहाँ पे बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट से अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके अपने दोस्तों से की मदद से 118 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, सब में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाए। मैंने अपने हलके में वहाँ पे 80% गाँव में कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। मैंने अपने खर्चे पे अपने दोस्तों की मदद से वहाँ पे एक मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई हुई है, 20 गाँव में वो जाती है, हर हफ्ते जाते हैं, और वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेट है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का। हम मुफ्त इलाज करते हैं, मुफ्त टेस्ट करते हैं, मुफ्त दवाइयाँ देते हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मेरा पूरा ध्यान इन प्रोजेक्टों की तरफ था। अब जब 5 साल के पॉलिटिक्स के तजर्बे ने ये सिखलाया कि जो फैसला 2012 में किया गया था कि इस मूवमेंट को पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया जाए, मेरा जो अपना विचार है कि शायद वो फैसला सही नहीं था। मूवमेंट को वहीं पे चलना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज वहां से निकलती और लोग वहां से पॉलिटिक्स में जाते, मगर मूवमेंट को खत्म नहीं होना चाहिए था। आज मेरा ये विचार है, आज हमें जरूरत है एक वही अन्ना हजारे जैसी मूवमेंट देश में खड़ी करने की, एक पैरेलल संगठन ऐसा खड़ा करने का जो जिसमें ये ताकत हो कि सच को सच कहे और गलत को गलत कहे। आज बहुत जरूरत है इस तरह की कि जो हु कैन कॉल स्पेड ए स्पेड। हमारे जो हम एक बार ये कर सके तो दूसरी बार भी हम कर सकते हैं। मैं आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा है, मैं आज के युवा को एक ये मैसेज देना चाहता हूं आपके मार्फत कि मेरी जिंदगी से अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं, जब मैंने जो 1984 की लड़ाई लड़नी शुरू की, उस टाइम राजीव गांधी की सरकार, इतना बड़ा प्रचार के सिख तो उग्रवादी होते हैं कांग्रेस सरकार का, राजीव गांधी की ताकतवर सरकार को उस टाइम लिया और ये नहीं सोचा कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र छोटी है। सिविल सोसाइटी का साथ मिला, ह्यूमन राइट ग्रुप का साथ मिला, मीडिया का साथ मिला, मगर आज लड़ाई जीते हैं। आज के जो युवा जो जे मुझे सुन रहे हैं, वो जरा ये सोचें कि जो भी समाज सेवा का काम आपके मन में है, आप करना चाहते हो, ये ना सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ा आदमी आएगा वो करेगा। जो समाज सेवा का काम आप करना चाहते हो, आप शुरू करो, वो भगवान, वो वाहगुरु काल पुरख आपके साथ होगा, आपका साथ देगा, और एक दिन आप जीतोगे। ये जो आज मेरा सबसे बड़ा जो इस्तीफा देने का कारण है कि हम फिर से वही काम करना चाहते हैं, वो शायद पॉलिटिक्स से कई लोग बाहर आ गए हैं, सिर्फ वही लोग नहीं,
बल्कि और भी जहां भी जो भी संगठन जहां जहां पे बैठे हैं, जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं, एक संगठन खड़े करने की, जैसा कि अन्ना हजारे के टाइम पे किया था, जब भी हम वो संगठन बात करें, जब भी वो संगठन बोले तो पॉलिटिकल पार्टीज को सुनना पड़े और पॉलिटिकल पार्टीज उसको इग्नोर ना कर सके, ये आज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर अभी तक वो स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। पंजाब से मेरा लगन है, सियासत तकरीबन 10 साल पहले से मैं एजुकेशन और ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में काम करता रहा हूं। जो इसलिए पहले जो लोकसभा जो विधानसभा के चुनाव थे 2012 में, मैंने 800 किलोमीटर लंबा तब मार्च निकाला था कि चुनाव में कोई भी ये ड्रग्स का इस्तेमाल ना करे। उससे पहले 2011 में एचईपीसी की चोन थी। मेरा ख्याल है कि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एचईपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब की एक बहुत बड़ी संस्था है, एक तरह की इसको पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पे पंजाब में जाना जाता है। 2011 में जब एचईपीसी के इलेक्शन थे तब भी हमने ऐसी मुहिम चलाई कि एचईपीसी के इलेक्शन में नशे ना बांटे जाएं। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती हमारे लिए। आज मैं ये अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि गुरुद्वारा कमेटी के इलेक्शन हो और वहां पे नशे बांटे जाएं। और पंजाब का जो हाल है, अभी अभी ये पंचायत के इलेक्शन थे, अभी पंचायत के इलेक्शन सारा, और उन्हीं दिनों में थे जिन दिनों में वो एनिवर्सरी थी गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की एनिवर्सरी। उन दिनों में जब जो गुरु ने ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए चारों बेटे साहिबजादों शहीद किए, उन उस टाइम पे पंजाब में पंचायत इलेक्शन में नशे का दरिया चल रहा था। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। और अखबार में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी है कि एक आदमी मुक्त की शराब पी पी के वहां उसकी मौत हो गई। इस तरह का हालत है पंजाब में। पंजाब में मैं ये संगठन जो बनाना है इसकी शुरुआत पंजाब से करूंगा। और ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एक इतनी बड़ी संस्था है, जो पंजाब में चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और इतने रिसोर्सेज हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास कि वो पंजाब में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर सकती है। क्योंकि पंजाब सरकार तो फेल हो गई, पंजाब सरकार ने एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर में कोई ऐसी तरक्की नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। अब हमारी उम्मीदें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हैं। अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कॉल दे और सारी दुनिया में NRI बैठे हैं, सारी दुनिया में पंजाबी बैठे हैं जो आके पंजाब की यह व्यवस्था जो एजुकेशन और हेल्थ में को ऊपर उठाएंगे। पर बड़े अफसोस की बात है कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी पिछले कई दहाके से एक पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में है। अपनी वोटें लेने के लिए वो ये HEPC को वरत रहे हैं। सबसे पहले मेरी प्लान, क्योंकि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं मेरी फ्यूचर प्लान क्या है, सबसे पहले पंजाब में आके संगठन बनाना। एक संगठन हमने बनाना नशा, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ये HEPC एक धार्मिक बॉडी है, ये धार्मिक लोग और समाज सेवियों के हाथों में होनी चाहिए, ये सियासी लोगों के हाथों में नहीं। जो अपने पॉलिटिकल मोटिव से इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे लेके जाए, खुद नहीं लड़ूंगा, मगर एक ऐसा संगठन बनाएंगे ताकि HEPC को ये सियासीकरण से बाहर निकाल के पंजाब के फायदे के लिए, पंजाब के गरीबों के फायदे के लिए ये इसको बरता जाए और इसके उसकी तरफ ये काम किया जाए। और दूसरी बात, पंजाब के लोग खास करके ये जानना चाहते हैं कि मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ूंगा कि नहीं। अब खास करके सज्जन कुमार को जेल भेजने के बाद कि आप कहीं से भी खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, आप जीत जाओगे। मुझे पता है, मुझे मान है पंजाब के लोगों पे, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत धन्यवादी हूँ, मुझे पता है मुझे जिता दोगे। मगर ये इतनी बड़ी सज्जन कुमार की जीत, सज्जन कुमार को जेल भेजने की इतनी बड़ी जीत को मैं अपनी एक पदवी के लिए नहीं बचना चाहता। मैं लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लोकसभा के इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आगे वाली जो बात, जो ये केस चल रहे हैं,
मैंने जैसे बताया, मैंने ये पिछली लड़ाई पहले से, ये जो आज इसमें जीत प्राप्त हुई है वो सबके साथ से हुई है। नॉन कांग्रेस पार्टियां जितनी थी सबकी मदद से, सबके साथ मिलके हुई है। मैं आगे से भी ये जो लड़ाई अभी भी जारी है, अभी सज्जन कुमार की अपील, उसके अलावा अभी भी बड़े बड़े दरिंदे जेल से बाहर हैं, जगदीश टाइटल और कमलनाथ को भी सजा दिलवानी है, और ये जो लड़ाई है कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ी जाएगी, ताकि ये जो कमलनाथ और टाइटल जैसे लोग हैं उनको भी हम सलाखों में पचा सके, और ये लड़ाई हम ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। अब मैं ये आपके मार्फत ये गुजारिश करूंगा कि ये पंजाब में तो मैं जाके ये संगठन बनाऊंगा। अगर हम पहले अन्ना मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं तो हम दूसरी अन्ना मूवमेंट भी खड़ी कर सकते हैं, और उस तरह की मूवमेंट हम ऐसी खड़ी करें, एक ऐसा संगठन खड़ा करें, पॉलिटिकल पार्टीज के पैरेलल करें, उन लोगों का संगठन खड़ा करें जिनको पदवियों के लालच चले, उन लोगों का संगठन खड़ा करें जो अपनी पोस्ट की वजह से नहीं बल्कि अपनी समाज सेवा की जो लगन है उसकी वजह से आके खड़े हों, इकट्ठे हों, और उस तरह का संगठन अगर हम चल पड़े, हम शुरू हो गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हम जल्दी ये संगठन खड़ा कर देंगे। पंजाब में तो मैं ये जिम्मेवारी ले रहा हूँ, पंजाब में सबके पास जाऊँगा, सबके पास सारियाँ जो नॉन पॉलिटिकल वहाँ पे पार्टी संस्थाएँ हैं सबके पास जाएंगे, समाज सेवियों को इकट्ठा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जो आपने इतना साथ दिया, और आप शुरू से साथ देते आ रहे हो, आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।